नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली एम्स में मिलेगी हवाई अड्डे जैसी सुविधा, इलेक्ट्रिक बसों के साथ बनेगी हाईटेक लैब। वायनाड लैंडस्लाइड पर संसद में बोले अमित शाह, केरल को पहले ही चेतावनी दी गई थी। संसद में बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस हादसे के 30 घंटे बाद भी शुरू नहीं हुआ ट्रेनों का आवागमन। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन बनी यूपीएससी की नई अध्यक्ष। कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार, छात्रों से भी लेगी सुझाव। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के रंगा पानी में पटरी से उतरी मालगाड़ी, कोई हताहत नहीं। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत, बोले गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली खानी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर के बाद अब मुंबई में भी मिलेगा 60 रुपए किलो सरकारी टमाटर। नोएडा में भीषण हादसा, सेक्टर 8 में झुकी में लगी आग, 3 बच्चों की हुई मौत। फर्जी आयुष्मान कार्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 19 ठिकानों पर मारे छापे। पेरिस ओलंपिक 2024 में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंची, एस्टोनिया की क्रिस्टीन कुबा को हराया। तेहरान में मारा गया हमास का चीफ इस्माइल हानिया, ईरानी टीवी चैनल का दावा। खबरों में फिलहाल इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।